नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनसन कैनिस्टर फिल्टर के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये आउटसाइड फिल्टर HW302 मॉडल है और ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मनप्रीत सिंह जी, ये उन्होंने परचेज़ किया है लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने ये मुझे दिया था कि कैसे ये इंस्टॉल होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस फिल्टर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। चलिए पहले तो ये इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए ये पहले ये इसमें से पार्ट्स निकल रहे हैं, कैनिस्टर फिल्टर निकल चुका है, इनपुट रॉड निकल चुकी है, वाटर इनपुट रॉड, उसके साथ में लॉकिंग के लिए जो पीस होता है जहाँ पे पाइप्स ये लगते हैं वो, ये पाइप निकल गए, ये आउटफ्लो स्प्रे बार की हुक है, ये लॉक्स हैं, ये कुछ इसके और पार्ट्स हैं जैसे कि ये सक्शन था और ये स्प्रे बार के पार्ट्स हैं। उसके अलावा इसमें से एक मैनुअल निकला है जिसे हम इंस्ट्रक्शन बुक भी बोलते हैं। इसमें देखिए ये दिखाया गया है कि ये सारे इसके पार्ट्स हैं और भी इसमें इंफॉर्मेशंस हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं इसको असेंबल करने के लिए। ये इसकी स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस बनाई हुई हैं लेकिन ये फिल्टर 3 स्टेजेस का है। तो पहले स्टेज में बायोबॉल्स आएंगी, दूसरे में सेरेमिक रिंग्स और उसके बाद तीसरे में एक्टिवेटेड कार्बन। ये इसकी इंस्ट्रक्शन है और ये है इसका वर्किंग डायग्राम। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको जोड़ना। इसमें जो मीडिया यूज़ हम करेंगे ये बायो बॉल्स हैं, देखिए इनके बीच में आपको स्पंज नज़र आ रहा होगा, ये सेरेमिक रिंग्स हैं, ये हम दूसरे चैम्बर में यूज़ करेंगे दूसरी ट्रे में। ये एक्टिवेटेड कार्बन हैं, अभी बंद हैं, जब खोलूँगा तो आपको नज़र आएंगे। चलिए अब इसको पहले खोल लेते हैं, पहले ये वाले लॉक खोलने हैं इसके, उसके बाद साइड लॉक्स जो हैं वो खुलेंगे। तो ये इसका ढक्कन हमने खोल के रख दिया है, ये इसमें एक जाली थी और उसके नीचे जो हैं ये ट्रेज लगी हुई हैं, ये पहली ट्रे है, ये दूसरी ट्रे है और ये तीसरी ट्रे है। कैनिस्टर फिल्टर में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वर्किंग इसकी स्टार्ट करते हैं तो पानी जो है वो नीचे के ट्रे से छन कर ऊपर की ओर आना शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट ट्रे जो हम काउंट करते हैं वो सबसे नीचे वाली ट्रे होगी। इसमें ये एक्वेरियम वूल लगी हुई है तो ये थर्ड ट्रे है जो कि सबसे नीचे जाएगी। इसमें हम बायो बॉल्स डाल रहे हैं, ये बायो बॉल्स जो हैं इनके अंदर प्लास्टिक के बने होते हैं, इनके अंदर देखिए आपको नीले नीले रंग का ये स्पंज भी नज़र आ रहा होगा, तो वो स्पंज जो है वो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन का काम करता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बनाता है। तो ये हमने बना दिए हैं, इसके ऊपर हम इसको कवर करेंगे इस फिल्टर वूल के साथ। ये पहली ट्रे जो है सबसे नीचे वाली वो चली गई, अब ये दूसरी ट्रे, ये देखिए ये सेरेमिक रिंग्स हैं, इनको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी इनको यूज़ करना हो तो पहले इनको वॉश ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली जो सेरेमिक रिंग्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा पाउडर होता है। देखिए ये पानी बिल्कुल साफ़ है लेकिन जब हम इसको इसमें धोते हैं तो ये अपना पाउडर जो है वो रिलीज़ कर देते हैं पानी में। अब आप पानी का रंग खुद देख लीजिए कि पहले पानी का रंग कैसा था और
धुलने के बाद जब हमने इसमें इन सेरेमिक रिंग्स को धोया है तो उसके बाद क्या पोजीशन है? एक तो ये तरीका है कि हम इसे इस जाली में डालकर ऐसे ही यूज़ कर लें, अदरवाइज दूसरा तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि हम इस जाली में से इनको निकाल कर ओपनली स्प्रेड कर दें। उस केस में ये पूरे उस ट्रे को कवर कर लेंगे और बेटर फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसको भी हम एक्वेरियम वूल के साथ कवर कर देते हैं ऊपर से, और ये हमारी दूसरी ट्रे भी फिल्टर में चली गई। अब तीसरे नंबर की जो हमारी ट्रे है, अब इसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन डालेंगे। ये देखिए, ये एक्टिवेटेड कार्बन है, इसके साथ में वाइट जो हैं ये मिले हुए हैं, ये जियोलाइट हैं जो कि अमोनिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये डॉफिन कंपनी के हैं, तो इनको भी हम पहले धो लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, आप खुद देखिए कि पानी का रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेश ही ऐसे यूज़ कर लेंगे तो आपके एक्वेरियम में ये सारा पाउडर जो है वो फिल्टर के जरिए रिलीज़ हो जाएगा और सारा पानी जो है वो काले रंग का होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इनको अच्छी तरह से धो लीजिए, उसका जो एक्सेसिव पाउडर है वो निकल जाता है। उसके बाद हम इसे जाली के साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि ये जाली में इंटैक्ट रहें, और इसको चारों तरफ ऐसे थोड़ा फैला देंगे ताकि ट्रे को पूरी अच्छी तरह से ये कवर कर लें। उसके ऊपर हम ये फिल्टर वूल की पैकिंग देकर इस ट्रे को भी फिल्टर में डाल देते हैं, और अब हमारी तीनों ट्रेज जो हैं वो अंदर चली गई हैं। उसके ऊपर हम ये प्रोटेक्टिव जाली जो है उसको लगा देते हैं। उसके बाद नंबर आता है ढक्कन का। अब आप खुद देखिए, ये पॉइंट जो है ये यहाँ से पानी अंदर जाएगा। ये प्रोपेलर है इसका, इसे हमेशा साफ करना ज़रूरी होता है जब भी क्लीनिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, ये लैच जो है इस सॉकेट में आकर और इसको आप घुमाइए तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसको लगा देते हैं ऐसे, और अब जो है अब इसके जो साइड लॉक्स हैं वो पहले बंद होंगे जो हमने। पे टाइट हो जाएगा। दोनों पाइप हमने इसमें असेंबल कर दिए हैं।
फिल्टर हमारा ऑलमोस्ट आधा तो हमने रेडी कर दिया है। अब बारी है ये इनफ्लो लगाने की। उसके ये वाटर इनफ्लो जो है वो इस पाइप के ज़रिए होगा, और इसके आगे हमने ये सक्शन क्लिप्स लगाए हैं जो कि एक्वेरियम की वॉल पे लग जाएंगे। इसमें ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली जैसा कि ऑटोमेटिक फीडर में होता है कि अगर आप ग्लास जो एक्वेरियम ग्लास है उस पर उसको कसना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। लेकिन जैसे कि मैं टैंक बनाता हूं तो मैं ब्रेस बार्स यूज़ करता हूं, तो ये उस पर फिट नहीं बैठेगा तो मैंने इसको निकाल दिया है। अब इसमें पहले इसी तरह से ये देखिए ये वाटर आउटफ्लो वाली हुक है, इसमें भी एक पार्ट ऐसा ही लगा हुआ है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर निकालना हो तो। फिलहाल मैं इसको नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसको असेंबल करके वर्किंग इसकी चेक करने वाला हूँ। और ये इसमें आगे हम स्प्रे बार लगा रहे हैं, दो पीस स्प्रे बार हैं, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एक स्प्रे बार बन जाएगी। और ये इस तरह से एडजस्टेबल है, आप अपने एक्वेरियम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको इन पाइप्स में लगाना है, इन दोनों पार्ट्स को। ये आउटफ्लो का पाइप है तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले हम ये लॉक इसमें पाइप में डालेंगे, उसके बाद ये दूसरा पाइप, दोनों में हमने ये लॉक्स डाल लिए हैं पहले। अब पहले हम आउटफ्लो जो है उसको जोड़ रहे हैं, ये पाइप हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इसको लॉक के जरिए यहाँ पे कस देंगे, जस्ट प्रेस इट एंड इट विल लॉक द पाइप। जी ये लॉक हो चुका है। ये हमारा आउट पाइप जो है रेडी है। इसी तरह से हम वाटर इनफ्लो वाला जो पाइप है उसको भी हम रेडी करेंगे। वाटर इनफ्लो वाली पाइप है उसको हम इस पाइप में अटैच कर रहे हैं। पाइप अटैच हो चुकी है, अब इसको भी हमें लॉक के साथ कसना होगा। चलिए इसको भी लॉक कर देते हैं, बस इसको हल्के से प्रेस कीजिए और ये रेडी है। ये पूरा असेंबल हो चुका है। इसको चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा 4 फीट का एक्वेरियम है, ये इसकी पावर केबल है, ये इसका वाटर इनफ्लो है। ये पार्ट जो है हम पहले एक्वेरियम में डालेंगे, यहाँ से ये एक्वेरियम का पानी जो है वो फिल्टर के अंदर आएगा। ये मैं फ़िलहाल टेम्प्ररी इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एक्वेरियम में इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा,
वो तो मनप्रीत सिंह जी ही करेंगे, तो मैं जस्ट एक टेस्टिंग ले रहा हूँ इसकी। ये इसका आउटफ्लो पाइप है, अब इसको भी मैं दूसरे सिरे पर टैंक के लगा देता हूँ ताकि पूरा सर्कल बनता रहे। एक कॉर्नर से पानी ये खींचेगा और अब फिल्टर के अंदर आएगा, और दूसरी पाइप के ज़रिए दूसरे कॉर्नर से वो पानी बाहर आएगा। अब ये इसकी पावर केबल है, इसको भी अटैच कर लेते हैं। मैंने इसे फिक्स नहीं किया है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं सिर्फ इसकी एक टेस्टिंग ले रहा हूं इसकी वर्किंग दिखाने के लिए। तो जब आप अगर इसको मंगवाते हैं और इसको जब इंस्टॉल करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। उस पर पावर केबल हमने अटैच कर दी है, अब इसको पानी से भरना पड़ेगा क्योंकि खाली है फिलहाल ये। तो उसको आप पावर केबल लगाने से पहले भी भर सकते हैं, और मैं इसको बाद में भर रहा हूँ। ये मैंने ऊपर का फ्लैप खोला इसका, और मैं ये एक्वेरियम का पानी जो है इसी को यूज़ कर रहा हूँ अपने साइफन पाइप के ज़रिए। मैं यही पानी इसमें डाल दूंगा। ये देखिए, ये मैंने पानी इसमें भरना शुरू कर दिया है। अब ये सारा पानी जो है इस फिल्टर में पहले भरना पड़ेगा इसको पूरा। जब ये पानी पूरा ऊपर तक फिल हो जाएगा, तभी उसके बाद हम इसको चला कर देखेंगे कि इसकी वर्किंग सही ढंग से हो रही है या नहीं हो रही। मीडिया हमने ऑलरेडी पहले से ट्रेज में डाल दिया है। पानी भरता जा रहा है इसमें। पानी भरने के दौरान इतना ध्यान रखें कि पानी इसमें भरने के बाद जब हम इसको बंद करते हैं, तो इसमें कुछ एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से कई बार वाटर का फ्लो जो है वो प्रॉपरली पूरा निकल नहीं पाता। वो मैं अभी आपको इसका डेमो दिखाऊंगा। तो कुछ लोग इंस्टॉल करने के बाद फिर ये सोचते हैं कि जब हमने इसको ऑन किया तो वो पानी आ क्यों नहीं रहा है। तो वो एयर निकालने का एक सिस्टम इसमें उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तकरीबन हर फिल्टर में, कैनिस्टर फिल्टर में ये सिस्टम होता है, लेकिन टेक्निक सब में अलग अलग हो सकती है। चलिए, पानी तो इसमें भर गया है। अब पहले इसको मैं बंद कर लेता हूँ। अच्छी तरह से बंद करने के बाद फिर इसको ऑन करूँगा, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा था। ये देखिए, इसको दबाने पर, दबा के अच्छी तरह से पहले इसके साइड लॉक्स जो हैं वो लगा दिए, उसके बाद जो इसके फ्रंट लॉक्स हैं वो और बैक लॉक है वो लगा दिया। अब ये फिल्टर जो है वो पूरी तरह से सील हो गया। अब ये जो नीला पार्ट है जिसको मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, उसका फंक्शन यही है। ये देखिए, आप पाइप में आपको पानी जो है वो क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि पानी प्रॉपरली पूरा नहीं आ रहा है। ये देखिए इस फिल्टर में, ये देखिए एयर है। ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको पानी अटका हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, जब जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, ये पानी जो है पाइप में थोड़ा आगे सरकता है, लेकिन उसमें हवा है जो कि फिल्टर के अंदर ट्रैप हो गई है, और उस वजह से ये
चल नहीं पा रहा है। तो ये आपको प्रॉपरली उसको पंप करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो हवा जो है इसमें ट्रैप है और वो पूरी तरह से निकल नहीं जाती। देखिए अब मैंने इसको पूरा प्रेस किया, अब आपको ऊपर देखिए टैंक में, देखिए यहाँ पे वो फिल्टर जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है, उसमें से आउटफ्लो जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई। और पाइप जो है वो स्मूथली पूरा, अब उसमें कोई भी एयर नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये हमारा वाटर इनफ्लो सिस्टम है, यहाँ से पानी इस पाइप के जरिए, देखिए यहाँ से आ रहा है, इस पाइप के जरिए होता हुआ सीधा इस फिल्टर में आ रहा है। इस फिल्टर में वो सबसे पहले नीचे जाता है और नीचे पूरी ट्रेज में जो मीडिया है उनमें से छन कर वो पानी दोबारा से जो ढक्कन पे पंप लगाया है उसमें से होकर ये यहाँ पे आउटफ्लो जो स्प्रे बार है वहाँ पर आकर बाहर गिरता है। तो ये ऑक्सीजन भी क्रिएट कर रहा है और फिल्टर भी कर रहा है। तो ये है इस फिल्टर का मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि कैनिस्टर फिल्टर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और ये वर्किंग कैसे करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन और लोगों को भी पता चल सके इसके बारे में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि और आगे आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोस हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।